नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई में अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, इंडिया वाले दुबई जाने की सोच रहे हैं, तो आपको भाई दुबई का लेबर लॉ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, हर आदमी, हर नियुक्ता, हर कंपनी, हर आपका मालिक आपको काटने की सोचता है। आरी सबके जेब में होती है, मौका मिले गर्दन पे रख देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, हमें अपने अधिकारों का पता नहीं, हमें लोग डरा देते हैं। रात को मेरे पास एक लेडी का कॉल आया था, बोला सर एक साल से मैं जॉब कर रही हूँ, मैं गिर गई, मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ इंडिया में, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो मालिक है वो बोलता है कि पूरा पैसा दे और तेरी जगह दूसरा आदमी लेडी छोड़ के जा, तब तुझे मैं जाने दूंगा। अब बताइए जी, ये कानून है दुबई का, लेबर लॉ ये कहता है, जबकि साफ साफ ऑप्शन है कि आपको अगर मेडिकल की ज़रूरत है तो आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक साल तो हो ही गया तो वैसे भी आपकी वार्षिक छुट्टी बनती है, तो आपको छुट्टी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उनसे उन्होंने 2 महीने की सैलरी ले ली, 1200 रुपये उनकी सैलरी है, 2 महीने की सैलरी ले ली उन्होंने, फिर भी बोलता है कि तेरी जगह दूसरी मेड आएगी, उसके बाद तुझे मैं जाने दूंगा। ऐसा होता है आम लोगों के साथ में, इसका रीज़न क्या है हम लोगों को पता नहीं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है, आप भी देखिए, दूसरों आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका कानून का नॉलेज हो, ताकि आपके साथ ऐसी घटना घटे तो आप इनका सामना करने के लिए एकदम माइंडली स्ट्रॉन्ग हो। चलिए देखते हैं आगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बता दें, आज हम बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए वार्षिक अवकाश का मतलब समझ लें, ईयरली बोनस बोल सकते हैं, ईयरली हॉलीडे बोल सकते हैं, ईयरली छुट्टी बोल सकते हैं। आपकी यूएई में जॉब कर रहे हैं, एक साल से आपका अग्रीमेंट, ये चीज़ें अग्रीमेंट में पहले से डिसाइड होती हैं, इसको हम नहीं बनाते, अपनी तरफ से बना के नहीं बोल सकते हैं। एक उसमें अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आपको एक साल की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, आप 1 महीने घर जाओगे तो हम आपको आने जाने की टिकट देंगे, आपको 1 महीने की सैलरी देंगे, ये बातें अग्रीमेंट में लिखी होती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप छुट्टी नहीं लेना चाहते, जी हाँ, तो हक क्या बनता है, हक क्या बनता है कि आप छुट्टी नहीं लेना चाह रहे हैं, लेबर लॉ ये बोलता है, दुबई का लेबर लॉ, अगर आप छुट्टी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट होना चाहिए, जी हाँ उस पर हम बात करें। इसमें सीधा सीधा फंडा है कि आपको नगद भुगतान कंपनी की तरफ से दिया जाना चाहिए, नगद भुगतान, समझ रहे हो कि आपकी वार्षिक छुट्टी थी, आपने उनको नहीं ली, तो वार्षिक छुट्टी का जितना भी फंड बनता है, जैसे आपकी सैलरी 2000 दराम है या 1000 दराम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 महीने की जितनी भी सैलरी बनती है, आपका बोनस बनता है, क्योंकि आप घर नहीं गए, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बोनस हो गया ना, वो उनको डबल तरीके से देना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं देती है। क्या रीज़न बता देती है, हमारे पास फंड की कमी है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या सैलरी काट लेती है, देने की तो दूर की बात है, सैलरी काट लेती है, ऐसा कुछ हो जाता है। इन परिस्थितियों में आपके पास क्या अधिकार हैं, क्या दुबई लेबर लॉ बोलता है, वो आपको जानना जरूरी है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, कंपनी आपको आपका बोनस नहीं दे, नगद भुगतान नहीं दे, छुट्टी वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो अधिकार है, दुबई लेबर लॉ 1980 की धारा 8 में ये प्रावधान किया गया है, आप वाला जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कि इस कानून में बता दूं, वार्षिक छुट्टी के बदले नगद भुगतान का ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, आपको वर्करों के लिए साफ साफ बोला गया है, 79 एक्ट में अगर कंपनी आपको नहीं देती है तो आपकी तरफ से उनको बोला जाता है, नोटिस देने के बाद आप उनको लिखित में देते हैं कि सर हमें सैलरी, हमारे जो नगद भुगतान है वो दीजिए, कंपनी द्वारा, नियुक्ता द्वारा छुट्टी नहीं देने पर हकदार है नगद राशि के। जी हाँ, अगर आप छुट्टी का आवेदन करते हैं, नोटिस देते हैं, फिर भी वो नहीं देते हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो एक्स्ट्रा काम है, आपकी जो एक्स्ट्रा है, वो नगद राशि आपको कैश दिया जाए। जी हाँ, जिसकी गणना आपकी सैलरी के हिसाब से होगी, आप कितना बोनस बनता है, कितनी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है, कितना नगद भुगतान है, वो आपकी सैलरी पर डिपेंड करेगा। जैसे 2000 है तो 1 महीने की आपकी छुट्टी है, तो उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग गुणात्मक में आ जाती है। खास तौर से इस प्रावधान किया गया है MA 279 में, साफ साफ अनुच्छेद 5/1 में साफ साफ प्रावधान किया गया है कि ऐसी कंपनी, ऐसा नियुक्ता जो दूसरे देशों से, गैर मुल्की देशों से वर्करों को हायर करते हैं, जी हाँ साथियों, अस्थायी रूप से काम करवाना, उनसे करवाना चाहते हैं, तो ये कानून उनके ऊपर 100% लागू होगा, उनको ये नगद भुगतान देना ही पड़ेगा। जी हाँ, MR 279 एक एक्ट है, इसमें एक्ट का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपकी कोई समस्या आती है तो ये इनका समाधान करती है, समायोजित करना, समाधान करना अग्रीमेंट का। जी हाँ,
क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा होता है आपको नगद भुगतान नहीं मिलता है, आप इनकी कंप्लेन करते हैं तो ये उनको कंपनी को बोलती है, दबाव देती है कि आपको ये करना पड़ेगा, तो उनकी मजबूरी हो। फिर भी अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई समस्या आती है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, मानव संसाधन अमीरात मंत्रालय में संपर्क करना होगा। जी हाँ साथियों, आगे की राय आप उनसे उनके साथ रख सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मेरी छुट्टी थी, ये मेरा अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अमीरात में जाते हैं, अमीरात मंत्रालय में, मानव संसाधन मंत्रालय में मोहरे में जाते हैं, तो एविडेंस तो होना चाहिए ना, अग्रीमेंट मांगेंगे, भाई आपका अग्रीमेंट दीजिए, तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैं छुट्टी नहीं गया, कम अग्रीमेंट में ये बोली व गई बातें हैं, लेकिन मुझे ये नगद भुगतान नहीं मिला है, तो वहाँ से आपका समाधान कंपनी को करना पड़ेगा। जी हाँ, बस आज की जानकारी यही थी साथियों। आगे अच्छी टॉपिक पे दुबई लेबर लॉ पे हम आगे और बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही हम दुबई लेबर लॉ से रिलेटेड वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी। जय हिंद, जय भारत।